डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन आरसीआई ऑनलाइन पाठशाला। आज हम देखिए आगे पढ़ते हैं वेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल। वेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखिए वेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक मिनट के लिए, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो ए वेक्टर, और जो वर्टेक्स बी है इसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर है। अब ध्यान देना पूरा, वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू, या डेल्टा लगा दो, एक ही बात है क्योंकि एरिया के आगे हमेशा डेल्टा यूज करते हैं, तो 1/2। अब देखिए जब वेक्टर एरिया है ना, उस पर फोकस करना। देखो आप किसी भी वर्टेक्स को फिक्स कर लो, आपने इस ए को फिक्स किया तो ध्यान देना ए। अब इन दोनों में से आपने जो अल्फाबेट है उसमें पहले कौन सा आता है, ये आता है ना, उसको पहले लिखो ए बी क्रॉस ए सी। आगे होगा समझ में। अगर कोई बच्चा कहता है कि सर मैं इसको नहीं लिखना चाहता, तो मैं उसको कहता हूं मत लिखो, डेल्टा इक्वल टू 1/2। आप एक काम करो, बी को फिक्स कर लो, बी को फिक्स किया तो बी, उसके बाद बोलो क्या आएगा, उसके बाद आपका इन दोनों में से अल्फाबेट में कौन सा पहले है, ए। और ये जब मैं आपको ऐसे बोलता हूं ना, तो आप अपने मन से बोला करो ताकि आपको क्लास वाली फील आएगी, बी ए इंटू में बी सी कंप्लीट। ऐसे ही डेल्टा इक्वल टू 1/2, आप बोलो किसको फिक्स करके देखें, सी को। तो देखिए सी और ए और बी में अल्फाबेट में पहले कौन सा आता है, ए, तो सी ए क्रॉस में सी, कंप्लीट है ना। वैसे मैं आपको एक बात बोल देता हूं कि जो अपना जनरल तरीका होता है, जनरल मेथड होता है, उसमें हम इन दोनों को यूज नहीं करते, केवल इसी से काम चला लेते हैं। तो अब एक बात ध्यान दीजिए, अगर एग्जाम में केवल इतना आता है कि वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फाइंड आउट करो, तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद देखिए अगला, कि अगर आपको क्वेश्चन में ये लिखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फाइंड आउट करो, ये वेक्टर का नाम नहीं ले, तो आपको क्या करना है, डेल्टा इक्वल टू 1/2 और इसके क्या लगा दो, मैग्नीट्यूड ए बी क्रॉस में ए सी, ए बी क्रॉस ए सी, समझ गए होगे, केवल मैग्नीट्यूड लगा दिया, क्योंकि इसका मतलब क्या है, अब स्केलर आएगा, और स्केलर कब आएगा, जो आपका वेक्टर है, ये जो वेक्टर था, इस वेक्टर को क्या कर दो, मैग्नीट्यूड में ले लो भाई, मैग्नीट्यूड में तो आपको एक डिजिट ही तो मिलेगा आंसर के रूप में, क्लियर। उसके बाद देखो, अब दोस्त देखना, डेल्टा इक्वल टू 1/2, उसके बाद में इसको तो मॉडुलस है तो या मैग्नीट्यूड बोल सकते हो, एक ही बात है। जे ए बी क्या होता है, ओ बी माइनस ओ ए, ये पढ़ा चुका मैं, जो पढ़ा दिया उसको मैं नहीं बताऊंगा, ओ बी माइनस ओ ए क्रॉस, और वो क्या होगा, ओ सी माइनस ओ ए वेक्टर, डन। उसके बाद डेल्टा इक्वल टू 1/2, और उसके बाद ओ बी का क्या आएगा, बी, देखो ना ये ना बी, बी ओ ए का ए क्रॉस सी माइनस ए। उसके बाद देखिए डेल्टा इक्वल टू 1/2, उसके बाद में क्या होगा, बी क्रॉस सी, ये लो बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, उसके बाद में माइनस का बी क्रॉस ए, माइनस का बी क्रॉस ए, देखो बी क्रॉस ए, और फिर इसको करो माइनस का ए क्रॉस सी, और ये क्या होगा, ए क्रॉस ए प्लस का। अब देखो मैं इस लाइन को यहां पे लिखता हूं ना, देखते चलना बिल्कुल ध्यान से, बहुत स्टेप टू स्टेप, डेल्टा इक्वल टू 1/2 बी क्रॉस सी। अब देखो बी क्रॉस ए को हम ए क्रॉस बी लिखेंगे तो बाहर माइनस लगेगा, क्योंकि आपको पता है ना ए क्रॉस
बी इक्वल टू क्या होता है, माइनस का बी क्रॉस ए। तो यहां क्या होगा, माइनस माइनस प्लस ए क्रॉस बी। ऐसे ही ये क्या होगा, ए क्रॉस सी को आप सी क्रॉस ए लिखना चाहोगे तो इसको भी प्लस बनाओ, क्योंकि माइनस लगेगा चेंज करोगे तो आप यहां से लिख सकते हो डेल्टा इक्वल टू वन बाई टू। इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके में लिख दो, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है, जब वर्टेक्स के आपको पोजीशन वेक्टर एबीसी के फॉर्मेट में एग्जाम में दिया जाए तो आप इस प्रकार से उसको सोल्व करेंगे। और इसी में ही एक टॉपिक आता है कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स, मतलब कि थ्री पॉइंट्स लाई इन ए लाइन, दैट टाइम आपको कैसे कॉन्सेप्ट को यूज करना है। तो देखिए कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स, तो उसमें क्या करेंगे, डेल्टा इक्वल टू जीरो होगा, ट्राइंगल क्या होगा जब सेम लाइन में है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो होगा, तो वन बाई टू, और क्या होगा ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए इक्वल टू जीरो। और यहां से देखो वन बाई टू तो जीरो में चला गया, और ये क्या होगा ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए इक्वल टू जीरो। अब देखो ए का मैग्नीट्यूड जीरो है, तो इसका मतलब जो आपका ए वेक्टर है वो ही क्या आ रहा होगा, जीरो। भाई मैग्नीट्यूड जीरो किसका होता है, केवल जीरो वेक्टर का। तो आप यहां से लिख सकते हो मैग्नीट्यूड हटा दो, क्या फर्क पड़ रहा है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए इक्वल टू में जीरो। देखिए ए का मैग्नीट्यूड जीरो, तो मैग्नीट्यूड जीरो किसका होता है, केवल यूनिट वेक्टर का। ए वेक्टर इक्वल टू जीरो का वेक्टर लिख दो, क्योंकि आपको पता है कि वेक्टर के इक्वल वेक्टर ही आएगा, जीरो इस कलर को नहीं यूज कर सकते, आप इसके ऊपर भी जीरो लगा सकते हो, लेकिन इन जनरल हम ऐसा बोल देते हैं। यहां तो जीरो ठीक है मैग्नीट्यूड है, लेकिन यहां जैसे ही मैग्नीट्यूड हटाया तो आपको क्या लिख दिया आपने, वेक्टर, और एक इसके इक्वल आ गया जीरो वेक्टर के। इस पर बेस्ड क्वेश्चन में कराऊंगा, जब आपको अच्छे समझ में आएगा तो आपको जितना भी मैंने 13.3 में जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो आप उस थ्योरेटिकल पोर्शन को अच्छे से करिएगा। अगले क्लास से हम 13.3 के क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।